टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। दिस इज अ बेसिक कोर्स ऑन रीडिंग चार्ट्स, यानी कि चार्ट्स पढ़ने का ये आपका पहला बेसिक कोर्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। टेक्निकल एनालिसिस एक आर्ट और साइंस है जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टर्स का बिहेवियर पता चलता है चार्ट्स पे। देखिए, मार्केट के जो करंट मार्केट प्राइस होती है किसी भी स्टॉक की, वो प्राइस दिखाई देती है आपको ग्राफ पे या किसी भी ग्राफ पे डालने के बाद, और कुछ पैटर्न्स बनते हैं जिससे हमें इन्वेस्टर्स यानी कि जो लोगों ने उस स्टॉक को या उस मार्केट में खरीदी या बेची की हुई है उसके बारे में हमें पता चलता है, और उन पैटर्न्स को स्टडी करना ही टेक्निकल एनालिसिस है। इसमें आर्ट इसीलिए है क्योंकि ये लोगों की साइकोलॉजी से डील करता है जो डायरेक्टली रिलेटेड है उनके इमोशंस फियर और ग्रीड, यानी कि लालच और डर दोनों का बिहेवियर आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें डेफिनेट नहीं होती हैं ठीक साइकोलॉजी की तरह, तो ये उसका आर्ट पार्ट हो गया। और साइंस पार्ट इसलिए क्योंकि हमारे पास डेफिनेट स्टेटिस्टिकल डेटा होता है, यानी कि चार्ट पे आपको प्राइस क्लियरली दिखाई देती है और नंबर्स के साथ आप डील करते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं, इसीलिए इसे साइंस भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान में आने वाली बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस से आपको किसी भी स्टॉक का मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन पता चलता है, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं, प्राइस किस तरफ जाने वाली है इसका एक अच्छा अंदाजा आ जाता है आपको। सीधी सी बात है, काफी लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही क्लियर मेथड है, उससे आपको 100% एक्यूरेसी से पता चल जाएगा या आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना है, इसमें आपको पता करना है कि प्राइस की मूवमेंट सबसे ज़्यादा चांसेस किस तरफ जाने की है, प्राइस ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है या उसी तरफ रहेगी। और जब आपको सबसे ज़्यादा चांसेस जहाँ दिखते हैं उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होंगे और लॉसेस कम से कम टाइम पर। सो टेक्निकल एनालिसिस का काम आपको मोस्ट प्रोबेबल मूव या फिर मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ प्राइस बताना है। अभी टेक्निकल एनालिसिस यूज़ क्यों करना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं या फिर क्या क्या यूजेस हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, टेक्निकल एनालिसिस जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, वो प्रोबेबिलिटी आपके साइड में करता है, यानी ऑड्स आर नाउ इन योर फेवर। तो अब आप रैंडम गैम्बलिंग जिसमें 50-50 चांसेस होते हैं और आपको कोई बेसिस नहीं होता है जीतने का या हारने का, उससे अच्छा अब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये गैम्बलिंग से आपको दूर ले जाता है और आपको ट्रेडिंग मेथड्स की ओर ले जाता है। दूसरी बात, किस प्राइस पे स्टॉक को बाय करना चाहिए एग्जैक्टली, ये एंट्री पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस में मिल जाता है। साथ ही साथ कहाँ सेल करना है ये पॉइंट भी टेक्निकल एनालिसिस में क्लियर है। टेक्निकल एनालिसिस का 80% काम प्राइस, कौन सी प्राइस पे एंटर करना और कौन सी प्राइस पे बेचना, यही है। इसके साथ साथ आपको ये पता चल जाता है कि अगर आप कोई ट्रेड करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक या मार्केट में तो आपका रिस्क कितना रहेगा, क्योंकि कभी कभी एनालिसिस गलत भी हो सकता है। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, यानी कि आप अगर ये ट्रेड करते हैं तो आपको किस टाइप के पैसे मिल सकते हैं, किस टाइप के प्रॉफिट्स आप पा सकते हैं रिवॉर्ड के तौर पे, वो पता चलता है टेक्निकल एनालिसिस से। और सबसे ज़रूरी चीज़, टाइम, यानी कि टारगेट तो ठीक है, स्टॉप लॉस भी ठीक है, लेकिन कितने समय में एक पर्टिकुलर पोजिशन, यानी कि आपने अगर स्टॉक खरीदा हुआ तो कितने समय तक आपको उसे रखना चाहिए, ये भी आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चल जाता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के लिए हम अलग डेडिकेटेड सेक्शन भी रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पोजिशन को अगर आप लॉस में लेना शुरू कर दें तो कहाँ तक आप लॉस लेना चाहिए, ये भी आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता चलता है। स्टॉप लॉस का मतलब है अपने लॉसेस को छोटा रखना, ताकि अगर आपकी पोजिशन उलट जाए, यानी कि आपको लॉसेज होना शुरू हो, तो वो अनलिमिटेड ना हो, वो लिमिट में ही रहे। अब टेक्निकल एनालिसिस के फायदे तो हमने जान लिए, लेकिन क्विकली थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते कि आखिर ये साइंस है कितना पुराना। अगर आप देखने जाएंगे तो सबसे पहली बार जब टेक्निकल एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया गया था वो था जोसेफ डी लावेगा के जर्नल्स में 17 सेंचुरी में,
जो डच स्टॉक मार्केट हुआ करता था उसके ऑब्जर्वेशन मिस्टर जोसेफ ने रखे थे और उसने टेक्निकल एनालिसिस की पहली इमेज बनाई थी और पहली बार उसने मेंशन किया था टेक्निकल एनालिसिस को। हालांकि तब इसे टेक्निकल एनालिसिस नहीं कहा जाता था, लेकिन उसने लोगों के बिहेवियर को जांचना जरूर शुरू कर दिया था। इसके बाद सबसे फेमस कैंडलस्टिक टेक्निक्स जिसे हम कहते हैं, जो कि इस कोर्स का मेन पार्ट रहेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पकड़ के जापानीज राइस मार्केट में 100 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड करने वाले होमा मुनेशी का मेंशन किया जाता है 18th सेंचुरी जापान। जी हाँ, कैंडलस्टिक टेक्निक ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी की पुरानी है, लेकिन आज की डेट में भी वो टेक्निक काम करती है। और उस वक्त जापान, क्योंकि राइस का एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, उनकी पूरी इकोनॉमी राइस पर चलती थी, तो राइस ट्रेडिंग की कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के मिस्टर होमा मुनेशी ने अपनी ट्रेडिंग से काफ़ी पैसे बनाए थे और वही साइंस हम आज भी यूज़ करेंगे। इसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड में 1920s और 1930s में रिचर्ड शॉबैकर ने कुछ बुक्स पब्लिश किए जिसमें चार्ल्स डाओ और विलियम पीटर हैमिल्टन। जी हाँ, चार्ल्स डाओ के बारे में हम थोड़ी देर में ज़रूर जानेंगे, लेकिन इन्होंने मिलकर कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, चार्ल्स डाओ विलियम हैमिल्टन ने, और हैमिल्टन और डाओ के जो ऑब्जर्वेशंस था उनको साथ में मिला के एक बुक पब्लिश की थी। इनफैक्ट कई बुक्स पब्लिश किए थे मिस्टर रिचर्ड शॉबैकर ने, जो कि आगे चल के डाओ थ्योरी के नाम से फेमस हुई। सो 1920s और 1930s में मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत होने लग गई। और इन्हीं सब प्रिंसिपल्स को ले जाते हुए आगे रॉबर्ट एडवर्ड्स और जॉन मजी ने एक बुक पब्लिश की थी, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड्स, जिसे स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का बाइबल भी माना जाता है। ये थी वो पहली बुक जिसमें सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस मेथड्स जो मॉडर्न वर्ल्ड में यूज होते थे उनको अच्छी तरह से दिया गया है। आप भी अगर चाहें अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना तो फिर आप वो किताब ले सकते हैं और आगे अपने टेक्निकल एनालिसिस बढ़ा सकते हैं।